रेट्रो स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का अ ट्रायंफ ऑफ सर्जरी का समरी देखेंगे जो कि फूट प्रिंट विदाउट फीट बुक से है। इसमें एक डॉग रहता है जिसका नाम रहता है ट्रिकी और उसकी जो मिस्ट्रेस होती है उनका नाम रहता है मिसेस पम्फ्रे। जो नरेटर इस स्टोरी के हैं वो है मिस्टर हैरियट जो कि एक वेटरनरी सर्जन रहते हैं। एक दिन क्या होता है कि जब मिसेस पम्फ्रे अपने डॉग को घुमाने ले जा रही होती हैं उस समय मिस्टर हैरियट उनको मिल जाते हैं और मिस्टर हैरियट जब डॉग को देखते हैं तो देख के बहुत दुखित होते हैं क्योंकि उसका जो कंडीशन रहता है बद से बदतर हो गया होता है। वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया रहता है, ही वॉज ह्यूजली फैट और उसकी जो आँख थी वो लाल हो चुकी रहती है। उसका जो जीभ रहता है वो बाहर आ गया होता है, उसे कोई बीमारी हो गई है और इस बीमारी का रीज़न मिसेस पम्फ्रे ही हैं क्योंकि मिसेस पम्फ्रे जो ट्रिकी था उसे बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी जैसे माल्ट, कॉड लीवर ऑयल। वो उसे कुछ क्रीम और केक भी देती हैं, चॉकलेट भी देती हैं और ये सारी चीज़ों को हैरियट ने मना किया होता है कि इतना खाना इसे नहीं देना है। लेकिन स्नेह दुलार की वजह से मिसेस पम्फ्रे क्या की होती हैं कि ट्रिकी को अधिक से अधिक खाना खिला दी होती हैं। हैरियट्स वार्निंग टू मिसेस पम्फ्रे। हैरियट कुत्ते को देखता है। हैरियट को ये पता चल गया होता है कि जो ये डॉग है वो ग्रीडी हो चुका है, वो कभी भी खाना को इनकार नहीं करता। हैरियट मिसेस पम्फ्रे से पूछता है कि ये बताइए क्या इसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज कराती हैं। मिसेस पम्फ्रे कहती है कि नहीं। हैरियट ये बात सुन के उसे तुरंत वार्न करता है कि मिसेस पम्फ्रे ये चीज़ सही नहीं है, अगर आप उसका खाना कम नहीं करती हैं तो कम से कम उसको अधिक से अधिक फिजिकल एक्सरसाइज कराइए और अगर ऐसा आप नहीं करती हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि वो बीमार पड़ जाएगा। और ये बात सही हो जाती है। कुछ दिन बीतता है, मिसेस पम्फ्रे हैरियट को फ़ोन करके बताती हैं कि उसको कुछ भी देने पे वो खा नहीं रहा है और खाना सामने रखा रह रहा है जो उसका फेवरेट डिश बना रह रहा है उसे भी वो रिफ्यूज़ कर दे रहा है। हैरियट जो रहते हैं सजेस्ट करते हैं कि जो ट्रिकी डॉग है उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा अन्यथा वो बचेगा नहीं। कि मिसेस पम्फ्रे वो थोड़ी सी अनकंसियस हो जाती हैं और ट्रिकी का कंडीशन देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि अगर वाकई में इसे हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाएगा तो इसकी मृत्यु तय है। ट्रिकी इन हॉस्पिटल। जो नरेटर रहते हैं अपने कार में ट्रिकी को लेके जाते हैं। जब ले जा रहे होते हैं तो जो भी उसका बिलोंगिंग्स होता है जैसे कि जिस बेड पे वो सोता है, कुशंस, टॉयज और जो भी अलग अलग बॉल्स रखी रहती हैं वो सब मिस्टर हैरियट को हैंडओवर कर देती हैं। और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है ट्रिकी, वहाँ पे वो और कुत्तों के मुताबिक ये डाउन दिख रहा होता है। जो कुत्ते हॉस्पिटल में रहते हैं वो इसके चारों तरफ आते हैं और सूंघते हैं इसे और उसके बाद इसे इग्नोर कर देते हैं। दो दिन तक जो नरेटर हैं मिस्टर हैरियट ट्रिकी पे नज़र रखते हैं और उसको कोई भी खाना नहीं देते हैं, कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं, बस उसे देते हैं तो प्लेंटी ऑफ वाटर देते हैं, अधिक से अधिक पानी। तीसरे दिन वो थोड़ा सा विंपरिंग करना शुरू कर देता है और विंपरिंग करता है बाकी सब कुत्तों को देख के। अब धीरे धीरे उसमें थोड़ा सा सुधार आ रहा था, वो बाकी सब कुत्तों के साथ गार्डन की तरफ जाने लगता है। जिस दिन वो गार्डन में कुत्तों के साथ जाता है, जैसे कुत्ते आगे आगे जाते हैं वो पीछे पीछे जाता है, उसी दिन जब फूड रखा गया सब कुत्तों के सामने उस दिन सब जल्दी जल्दी फिनिश कर जाते हैं, ट्रिकी को नहीं मिलता है। ट्रिकी को जब बॉल उसके सामने रखा जाता है तो उस बाउल के चारों तरफ वो घूमता है, थोड़ा सा उसमें से खाता भी है। इससे ये पता चलता है कि ट्रिकी हंग्री रहता है और फाइनली उसे मिस्टर हैरियट कुछ खाना दे देते हैं। ट्रिकी शोज़ सम इम्प्रूवमेंट। ट्रिकी स्टार्टेड टू शो प्रोग्रेस। ट्रिकी अब धीरे धीरे प्रोग्रेस दिखाना स्टार्ट कर देता है। उसको किसी प्रकार का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। वो दिन भर बाकी सब कुत्तों के साथ दौड़ा करता है और सब कुत्तों के साथ रहने में उसको बहुत अच्छा लगता था। और उसी बीच क्या होता था कि मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो मिस्टर हैरियट से बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए कॉल कर रही होती हैं और उस समय मिस्टर हैरियट उनको बताते हैं कि जो आपका कुत्ता है वो खतरे से बाहर है। कुछ समय बाद क्या हुआ, मिसेस पम्फ्रे फ्रेश एग्स ट्रिकी के स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए लाने लगी, लेकिन ये सारा जो आइटम था बस फ्रेश एग ही नहीं, साथ में ब्रांडी वगैरह भी लाया करती थी, वाइन भी लाया करती थी, लेकिन ये सारी चीज़ें उसको नहीं दिया जाता था।
जो वहाँ पे वर्कर्स थे वो एक खाते थे ब्रांडी और वाइन पीते थे। उन लोग का ये रूटीन हो गया था कि वाइन नून टाइम में पिया करते थे और ब्रांडी इवनिंग के टाइम में। कुछ दिन बीता, वाकई में जो ट्रिकी होता है वो बहुत सही हो गया होता है। और उसके बाद नरेटर जो रहते हैं मिसेस पम्फ्रे को कॉल करके कहते हैं कि आपका जो डॉगी है ट्रिकी वो बिल्कुल फिट हो चुका है, उसे आप आगे ले जा सकती हैं। मिसेस पम्फ्रे कम्स टू टेक ट्रिकी होम। मिसेस पम्फ्रे ये बात सुन के बहुत खुश होती हैं। वो आती हैं नरेटर के सर्जरी वाले जगह पे और वहाँ पे अपने कार से आती हैं और वो पूछती हैं कि अब उनका जो डॉग है क्या वो सही कंडीशन में है। नरेटर कहता है कि हाँ, आपका जो डॉग है ट्रिकी वो बहुत सही है। वो उस कुत्ते को अपने पास बुलाते हैं। जब कुत्ता आता है तो जैसे ही अपने मिस्ट्रेस को देखता है, मिसेस पम्फ्रे को, उनके लैप पे आके बैठ जाता है और उसके बाद उनके फेस को लिक करना शुरू कर देता है और भौंकना शुरू कर देता है। उसका ये चीज़ देख के मिसेस पम्फ्रे बहुत खुश हो जाती हैं कि फाइनली जो ट्रिकी है अब ठीक हो चुका है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है कि ट्रिकी जो कभी बहुत मोटा हुआ करता था और वो बीमार हो गया था, वो फाइनली मिस्टर हैरी ऑट के पास आने के बाद, उनके हॉस्पिटल में आने के बाद फाइनली वो ठीक हो गया। एंड ट्रिकीज क्योर वॉज ओनली अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और फाइनली यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेट्रो स्टडीज़।